नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का परीक्षा के ऑफिशियल चैनल पर। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं आप? स्वागत। आज का जो सेशन रहने वाला है, जो वीडियो रहने वाला है दोस्तों, हम आज बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, कृषि पर्यवेक्षक की संपूर्ण जानकारी। मतलब क्या क्या उसकी योग्यताएं रहती है, क्या उसकी आयु सीमा है, क्या उसका जो है सिलेबस रहता है, क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहता है, और भी कई अन्य जानकारी जो कि इंपोर्टेंट है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट टाइम पर ये जो वैकेंसी आई थी, ये वैकेंसी आई थी मेरे लाडलू 2021 के अंदर, ठीक है। 2021 के अंदर वैकेंसी आई थी लगभग कृषि पर्यवेक्षक गैर अनुसूचित क्षेत्र 842 पदों के लिए और अनुसूचित क्षेत्र 40 पदों के लिए, कुल 882, ठीक है। इसके अंतर्गत इस पीडीएफ में पूरा सब कुछ दे रखा है कि भैया कितनी इसमें योग्यता रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों, कि क्या क्या योग्यता है, क्या क्या आवश्यक चीजें, क्या क्या जो है पद के लिए जरूरी है, क्या शिक्षा सिलेबस रहना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको ये वीडियो आज आप लोगों के सामने बना रहा हूँ और आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथ ही दोस्तों, ये जो विज्ञप्ति आई थी ये 5 फरवरी 2021 को आई थी। अभी तक ये वैकेंसी दोबारा आने के चांस है और आएगी 100%। इससे पहले आप उसके बारे में जानकारी ले ले, तो जो भी मैं आपको यहाँ पर जानकारी बताने वाला हूँ, जो इस विज्ञप्ति के अनुसार है, 2021 की वैकेंसी के अनुसार है। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके बाद इसकी एक संशोधित विज्ञप्ति और थी, तो 26 अगस्त 2021 को आई थी, जिसमें लिखा था भैया बोर्ड द्वारा कृषि विभाग के लिए कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2021 हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र में 842 जो मैंने आपको बताया, और अनुसूचित क्षेत्र के 40 कुल 882 पदों हेतु विज्ञापन संख्या 5 फरवरी 2021 को जारी की गई थी। लेकिन उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को आयु एवं फीस में छूट दिए जाने के कारण कृषि विभाग द्वारा प्रेषित संशोधित अर्थना में पदों की बढ़ोतरी किए जाने के कारण गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2002 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 252 कुल 2254 पदों हेतु कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 की संशोधित विज्ञप्ति 5/7/2021 को जारी की गई थी। इसमें कृषि विभाग में पदों को बढ़ाकर गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पर्यवेक्षक के नवीन 119 पद तथा अनुसूचित क्षेत्र हेतु कृषि पर्यवेक्षक के नवीन 16 पद, कुल 135 पदों को शामिल कर अब 2389 पदों हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र और 2121 पद हेतु अनुसूचित क्षेत्र के 268 पद दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये टोटल जो है कृषि पर्यवेक्षक के पदों पर कुल 2389, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 2121 पद एवं अनुसूचित क्षेत्र में 268, इतने पदों पर यह भर्ती थी। ये सारी बातें हैं ताकि बाद में आपको ज्यादा तकलीफ ना होना पड़े। अब मैं बात करता हूं अपनी बात की कि हम इस वीडियो के अंतर्गत आखिर क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ये बातें कवर करेंगे कि एक तो परीक्षा शुल्क क्या रहने वाला है, दूसरा एग्जाम का जो वेतन मान, जो आप लोगों को जॉब लगती है उसका वेतन कितना इसमें बताया गया था, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता हम बताए, आयु, अंशदायी पेंशन, विवाह पंजीयन और परीक्षा की स्कीम और उसका पैटर्न जो पाठ्यक्रम है वो मैं आप लोगों को यहां बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले चर्चा है परीक्षा शुल्क की। देखो बिल्कुल जो पीडीएफ दे रखी है उसके अनुसार मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों। तो जो भी कृषि पर्यवेक्षक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो साबित हो सकता है। आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र या कियोस्क पर जन सुविधा केंद्र पर सीएससी के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजें। सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 450 रुपए जब फीस रखी गई थी वो थी 450 रुपए। अब ये क्या क्राइटेरिया रखते हैं, क्या बदलाव होता है वो बात की बात, ठीक है। आगे हम बात करें राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 350 रुपए। समस्त विशेष योग्य जन राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपए। और साथ ही ये जो कार्मिक परिपत्र संख्या 8/3 के अनुसार 2/18/2/5/2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.00,000 रुपए से कम है उनके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क 250 रुपए रहने वाला है। यह आपका फीस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है यहाँ पे लाड़ दो, वो हम बात करें वेतनमान। अब देखो वेतनमान फिक्स तो है नहीं क्योंकि उसमें बताया नहीं गया,
राज्य सरकार द्वारा दे सातवें वेतन आयोग के अनुसार है ना, कृषि पर्यवेक्षक का वेतनमान लेवल 5% निर्धारित है। परीक्षा काल यानी प्रोबेशन पीरियड में मासिक नियत परिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार दे होगा, उसमें यह बता रखा है। ताकि शर्त यह है कि सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परीक्षा दिन यानी ट्रेनिंग को परीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत परिश्रमिक ऐसी दरों पर संबंधित किया जाएगा जो सरकार द्वारा पर समय समय पर नियत की जाएगी। मतलब समय समय पर यह बदली जा सकती है, 2021 में कुछ और 2020 में बढ़ा दो कम कर दे, गवर्नमेंट के जो है डिसाइडेड है। ठीक है, सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की 2 वर्ष का परीक्षा दिन अवधि दी जाएगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर पारिश्रमिक फिक्स्ड वेतन आपको दिया जाएगा। क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि दे नहीं होंगे। मतलब आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का भत्ता, मकान TADA, किराया, महंगाई, शहरी, क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि ये आपके बिल्कुल नहीं होंगे। प्रोबेशन में बिल्कुल भी आपको दे नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद परीक्षा अवधि के समाप्ति पर पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य वेतन नियम के अनुसार दे होंगे जो स्थायीकरण का पात्र होगा। मतलब प्रोबेशन का सीधी भाषा में देखो, कच्चा और पक्का। प्रोबेशन होता है कच्चे में नौकरी करना और प्रोबेशन के बाद पक्का नौकरा पक्की नौकरी करने के बाद, तो पक्की नौकरी के बाद में जो वेतन होगा वो आपको यहाँ पर पूरी तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, इसमें क्या दिया गया है? देखो ये इंपॉर्टेंट है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc कृषि के अंदर, एग्रीकल्चर में BSc हो या BSc हो कृषि उद्यान में, ठीक है आप लोगों के सब्जेक्ट होते होंगे, ऑनर्स हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्लस टू योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय हो। मतलब 12वीं पास में आपका कोई एक सब्जेक्ट कृषि से रिलेटेड रहा हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगला, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान, ये योग्यता है भैया। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में उपस्थित हुआ है, जैसे BSc मांगा तो BSc फाइनल में हुआ है, सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लेखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता आवश्यक है, सीधी भर्ती के लिए कृषि पर्यवेक्षक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। मतलब कई बार सवाल ये पूछा जाता है ना, सर हम BSc फाइनल ईयर में क्या हम फॉर्म डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल भैया यहाँ डाल सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ पात्र होगा। ठीक है, वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरण के माध्यम से चयन किया जाएगा, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा और लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा ऐसा मामला, समुचित चयन एजेंसी बोर्ड को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता लेखित परीक्षा की तिथि तथा अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा। कुल मिला के बात भैया कि आपको जब आप एग्जाम देंगे या फिर इंटरव्यू में होगा तो आपको अपना प्रमाण पत्र साथ में लेके जाना पड़ेगा कि हम BSc फाइनल ईयर में, और जब इंटरव्यू तक जाएगा तो उसकी जो मार्कशीट या फिर जो उसकी डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करें, अगला जो है वो है आयु। आयु में क्या कह रहा है कि कृषि पर्यवेक्षक आवेदक 1 जनवरी 2022, भाई जिस तारीख को ये निकली है ना उस हिसाब से इन्होंने तारीख दिया है, जैसे 21 को निकली वैकेंसी तो 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ, मतलब 18 से 40 के बीच एक आयु रखा गया है, 40 वर्ष का नहीं हुआ मतलब 40 वर्ष से छोटा रहेगा। ठीक है, परंतु जिस भर्ती विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था, उस आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। मतलब मान लो कोई वर्ष था जिस दिन ये भर्ती होनी थी और मैं अभी दे सकता हूं, मैं एग्जाम दे सकता हूं, वो एग्जाम कैंसिल हो गया या भर्ती नहीं हुई और मैं अगले साल ओवरेज हो गया और 2 साल बाद में वैकेंसी आई, तो उस टाइम पर जो वैकेंसी रद्द हुई थी उसमें मुझे अभी जैसे वर्तमान में तो मैं ओवरेज हो गया लेकिन मुझे 3 साल की छूट दी जाएगी, भैया आप अभी भी इसमें भर सकते। ठीक है, ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उच्चतम आयु सीमा में विशेष छूट निम्न प्रकार की, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी है उसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग
अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को तो राजस्थान की मूल निवासी है 10 वर्ष की छूट दी जाए। छूट के प्रावधान मैंने आपको बता दिया। आगे हम बात करें दोस्तों पेंशन, नए भर्ती नियुक्त होने वाली कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू की जाएगी, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है, न्यू एनपीएस सिस्टम आप लोगों का हटा दिया गया है। अब राजस्थान गवर्नमेंट उसके क्या कंसेप्ट निकालते हैं, पेंशन का क्या रहता है, तनख्वाह का वेतन का कितना प्रतिशत आपको जमा करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा, वो सारी चीजें आपको वक्त के साथ टाइम के साथ बता दी जाएगी। अगला विवाह पंजीयन शासन के परिपत्र क्रमांक ग्रह 13/2006 दिनांक 22/5/2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्त होने हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तद संबंधी प्रमाण पत्र समय वांछनीय होगा। जब आपने पेपर फाइट कर लिया और ज्वाइनिंग करोगे उसके बीच में कभी भी आप अपना जो है मेरिट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, जब ज्वाइनिंग करोगे तो वो आपका वहां पर लगाया जाएगा। भैया मेरिट सर्टिफिकेट की बात कही गई है यहाँ पे, ठीक है। आगे परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम हम आपको बता देते हैं कि क्या रहने वाला है, कि कृषि पर्यवेक्षक के पदों पर प्रश्न पत्र का भाग एक है जिसके अंतर्गत मेरे लाड दो मैं आपको बता देता हूँ, भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार और भाग पांच, टोटल 5 पार्ट। पहले में सामान्य हिंदी 15% 45 अंक के, दूसरे में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास, संस्कृति 25% 75 अंक के, शस्य ज्ञान जो आप लोगों का होता है 20% 60 अंक के, उद्यानिकी 20% 60 अंक के, पशुपालन 20% 60 अंक के, कुल योग 100% 300 अंकों के आपके यहाँ पर होगा। मतलब एक प्रश्न 3 नंबर का आपका यहां से आने वाला है, ठीक है। आगे अगर मैं चर्चा करूं तो दोस्तों यहां पर एक वैकल्पिक प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, ऑब्जेक्टिव टाइम अधिकतम 300 अंकों का, प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे, प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नकारात्मक अंक काटा जाएगा। तो ये जो थी दोस्तों हमने आपको बताया, और साथ ही अगर आप इन सभी चीजों की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान में या सेंटर में होने वाले एग्जाम्स की आप तैयारी करते हो दोस्तों, प्ले स्टोर पर जाकर परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, परीक्षा प्रो अगर कर रखा है तो उसको अपडेट करके परीक्षा प्रो में कन्वर्ट करें, क्योंकि हम आपको बिल्कुल 40% ऑफ पर दे रहे हैं आपको सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज। आपको एक कोड यूज करना है RJ40, साथ ही 99 से ज्यादा टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी हम आपको 1 साल तक देंगे। साथ ही दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट, LDC, राजस्थान पुलिस, RSMSSB, NDT, राजस्थान CET, SSC, रेलवे के जितने भी एग्जाम से उनकी टेस्ट सीरीज आपको इस मंच पर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों बस इतना ही बात थी। तो अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छा लगा कि मैंने थोड़ी जानकारी सही दी है, सटीक दी है, क्योंकि जानकारी तो बिल्कुल PDF में नोटिफिकेशन में थी, मैंने बस महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को बताया। और फिर भी अगर किसी के मन में कोई विचार हो, कुछ कुंठा हो, कुछ बात करनी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। बने रहिएगा परीक्षा के इस मंच के साथ। जय हिंद, जय राम।